नहीं रहे निर्देशक निशिकांत कामत, फिर दुख में बॉलीवुड। फिल्म निर्देशक निशिकांत कामत नहीं रहे। सोमवार को दिन भर चले उनके निधन की अफवाह के बीच उन्होंने आखिरी सांस ली। कुछ न्यूज वेबसाइट और सोशल मीडिया पर उनकी मृत्यु की खबर पहले ही आ गई थी, जिसका अभिनेता रितेश देशमुख ने खंडन किया था। उन्होंने उनके जीवित रहने और उनके लिए दुआ करे जाने के लिए ट्वीट किया था। 50 साल के निशिकांत हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट थे। पिछले काफी समय से लीवर की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मुझे तुम्हारी बहुत ही याद आएगी दोस्त निशिकांत कामत, आपकी आत्मा को शांति मिले। रितेश सिद्वादी ने ट्वीट करके लिखा, मेरी संवेदना और प्रार्थना निशिकांत कामत के दोस्तों और परिवार के लिए, यह बहुत ही परेशान करने वाला है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने ट्वीट करते हुए लिखा, मेरी क्वेश्चन निशिकांत के साथ सिर्फ तब्बू और मेरी फिल्म दृश्यम में ही नहीं थी, बल्कि ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता था। वो बहुत ही खुशमिजाज था, वो बहुत जल्दी चला गया, रिप निशिकांत। बेताल फेम विनीत कुमार सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, अभी तो निशि सर का फोन आया था, लंबी बात हुई, लग रहा था मैं हमेशा की तरह उनके ऑफिस में बैठा हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर खुश हो रहे हैं। हमें साथ में काम करना था, कहानी अधूरी रह गई। निशि सर ने बहुत ही प्यार और सम्मान दिया जिसे मैं भूल नहीं पाऊंगा। हैशटैग रिप निशिकांत कामत। अनुराग कश्यप ने ट्वीट करते हुए लिखा, निशि, और उन्होंने टूटे हुए दिल का इमोजी बनाया। एक्ट्रेस यामी गौतम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि निशिकांत कामत की मौत की खबर सुनकर बहुत ही दुख हुआ। एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी निशिकांत कामत को श्रद्धांजलि दी।